ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम महान आत्माएं इस संसार में बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें अपना साथी बनाया। इस सृष्टि को परिवर्तित करने के लिए, कलियुगी दुनिया को सतयुग में बदलने के लिए, जब भगवान इस धरा पर आए तो देखिए कितने बड़े भाग्य की बात है। उसने हमारे तन को स्वीकार किया, उसने हमारे मन को स्वीकार किया, हमारे धन और योग्यताओं को स्वीकार किया, हमारे समर्पण भाव को स्वीकार कर लिया। हमारे पास था ही क्या उसके लिए, लेकिन हम उसके कार्यों में लग गए। भगवान ने अपनी सुंदर कार्य विधि में हमें शामिल कर लिया। जरा सोच कर ही आनंदित हो जाएं तो कितना अच्छा हो कि हम अपने तन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भी सेवाओं में अवश्य लगाएं, अपने मन के द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाएं, मन को शुद्ध करें और अपने धन का भी कुछ हिस्सा हम बाबा के कार्यों में अवश्य लगाएं। हमारे पास जो भी योग्यताएं हैं उनको भी हम बाबा के कार्य में लगाते रहें, तो ये सब चीजें बढ़ती रहेंगी। धन लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। मन के द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने से मन सदा ही स्वच्छ और शक्तिशाली बना रहेगा। मन का कष्ट हमें कभी नहीं भासेगा। और अगर तन को उसके कार्यों में लगाते हैं तो तन का भी सुख, तन की तंदुरुस्ती भी हमें प्राप्त होती रहेगी। योग्यताओं को हम उसके कार्यों में लगाते हैं, हमारी योग्यताएं और निखरती जाएंगी। परंतु ये याद रखना है, इन सभी को ईश्वरीय कार्य में लगाने के साथ हम ये न भूलें कि ये परमात्मा देन है। मैं लगा रहा हूँ, मैंने इतना धन दिया, मैंने ये सेवा केंद्र बनवाया, मैंने ये कार्यक्रम बनवाया, मैंने ये चीजें खरीद कर यज्ञ में दी। अगर ये याद रहता है तो पुण्य छीन होते रहते हैं, क्योंकि इसके पीछे मैंपन है, हमारा अभिमान बढ़ गया। तो ईश्वरीय सेवा में सब कुछ लगाने का सुख, उसका फल तो हमें नहीं मिला। तो आज जरा गंभीरता से विचार करेंगे, हम बाबा के कार्यों में निष्काम भाव से सहयोग देते हैं, और सबसे बड़ा सहयोग तो है इस ईश्वरीय कार्यों में रहते हुए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर रखना, ताकि हमारे इस श्रेष्ठ स्वभाव के कारण कई आत्माएं बाबा के कार्यों में लग जाएं। अगर हमारे कटु स्वभाव के कारण सेवा में लगी हुई आत्माएं भी दूर होने लगे तो ये हमारा बहुत बड़ा यज्ञ में विघ्न है, असहयोग है। इसलिए सभी को बहुत ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ सहयोग है अपनी स्थिति को स्वीट बनाए रखना, सबसे फ्रेंडली होकर रहना, सबको उमंग उत्साह देना, किसी की कमी देखकर उसे यज्ञ से दूर न करना, बल्कि उसकी कमी भराने में सहयोग करना। तो आइए हम सभी बाबा के इस महान कार्य में सच मन से सहयोगी बने। और सबसे महान तो वे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पित कर दिया, और जिन्हें अर्पित करने के बाद ये फीलिंग भी नहीं है कि हमने कुछ किया है। अगर ये फीलिंग रहती है तो भी हम पूरे सहयोगी नहीं बन पाते, क्योंकि समर्पण भाव का परिणाम होना चाहिए निश्चिंत जीवन, योग युक्त जीवन। यदि ऐसा अनुभव हमें नहीं हो रहा है, हम निश्चिंत नहीं हैं, योग युक्त होने में कठिनाइयां हैं, तो हमें जान लेना चाहिए समर्पण भाव में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो आज सारा दिन हम करेंगे बाबा को
बाबा ये तन तेरा, दे दिया तन बाबा को, बच गई मैं चमकती हुई आत्मा, निराकार आत्मा, मैं निराकार आत्मा हूँ, देह रहित हूँ। ये बहुत अच्छी फीलिंग हर घंटे करनी है, तन तेरा, मेरा घर भी तेरा, ये मन भी तेरा। और देखेंगे मन से सुंदर वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। ओम शांति।